आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, तो हमने कहा था कि हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उन ग्रुप्स को हम कहते थे वो हैं किंगडम्स। तो इसी तरह उन्हीं किंगडम्स को पढ़ते पढ़ते आज हमारे पास किंगडम प्लांटी आया है, और आज किंगडम प्लांटी के इंट्रोडक्शन को और उसकी मेजर क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे, और हम ये देखेंगे हम किस तरह से प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उनको किन किन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करें, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन या नेचुरल रिलेशनशिप्स को सपोज देख लें, नेचुरल रिलेशनशिप्स को, या फिर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या मोड ऑफ ओरिजिन को देख लें, मोड ऑफ ऑरिजिन, इस तरह के हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखें और इस बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं, यह है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलो जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांटी की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम कहते हैं हम इनको मेजर टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन वेस्कुलर और दूसरे को हम कहते हैं वेस्कुलर। बट बिफोर दैट, उससे उस क्लासिफिकेशन पर जाने से पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड होने चाहिए, या फिर हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्लांट्स कह सकते हैं, या वो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने ज़रूरी हैं, यानी अगर हमें कुछ मेजर प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, तो हम कह सकेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट्स में आएगा और ये ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में नहीं आएगा। जब हम जनरली प्लांट्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। सिमिलरली प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, और प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं। इनका मतलब क्या है ये मैं आपको बताते जाती हूँ। और ये कि प्लांट्स एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। और सबसे बड़ी बात ये कि प्लांट्स के बाहर की तरफ एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल। ठीक है, यूकेरियोटिक की हमने बात की। यूकेरियोटिक हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, और उनके डिफरेंसेस को भी देखा था। यूकेरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, और बहुत ही डेवलप्ड किस्म के ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑटोट्रॉफिक की हमने बात की थी। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह मल्टी सेलुलर का मतलब है कि इस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाएंगे। नॉन मोटाइल का मतलब है कि ये खुद से मूव नहीं कर सकते, या इनके अंदर लोकोमोशन नहीं हो सकती। डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, यानी कि इनके अंदर सबसे पहले जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो, और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, सेल वॉल होने का क्या मतलब है? सेल वॉल का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो सेल होता है, उसके बाहर हमारे पास एक आउटर वॉल होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये जो सेल वॉल है ये मोस्टली सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर पाई जाती है। तो वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर इनमें से 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, उनको हम कहेंगे कि वो किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। ठीक है, किंगडम प्लांटी की जब हम बात करते हैं, अभी तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स नोन हैं उनके अंदर हमारे पास नियरली 360,000 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि डिस्कवर हो चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ, लेट्स से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी कह देते हैं, क्योंकि हम किंगडम प्लांटी को पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन की जब हमने पहले भी बात की, हमने कहा हम प्लांट्स को 2 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास है किंगडम प्लांटी, और उसके अंदर हम इसको 2 मेजर डिविजन्स या 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और इन ग्रुप को हम कह देते हैं, फर्स्ट है हमारे पास ब्रायोफाइटा, और सेकेंड है हमारे पास ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा का जो ग्रुप है, इसको हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं।
नॉन वेस्क्युलर प्लांट्स। वेस्क्युलर और नॉन वेस्क्युलर प्लांट होने का क्या मतलब है? वेस्कुलर होने का मतलब ये है कि इनके अंदर वेसल्स पाई जाती हैं। ये वो वेसल्स हैं जिनके थ्रू फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वो हैं जिनके अंदर वो वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ये कौन सी वेसल्स की बात हो रही है? जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है, जिनके थ्रू वाटर और फूड पूरे ऑर्गेनिज्म या पूरे प्लांट बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, तो जो जो ब्रायोफाइटा हैं या नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनके अंदर वो वेसल्स नहीं होती हैं, वो एबसेंट होती हैं। अच्छा, ये दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड तो उसको कर दिया, लेकिन इसके बाद मज़ीद भी हम इसकी डिवीज़न कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हम इनको मज़ीद सब डिवीज़न्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। और वो सब डिवीज़न्स क्या होंगी? अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइट्स को हम मज़ीद 3 सब डिवीज़न्स में डिवाइड करते हैं इनकी, यानी कि यहीं पर हम इस तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास है हेपेटिक ऑप्सिडा। सेकेंड है हमारे पास ब्रायोप्सिडा। और थर्ड है हमारे पास एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है, इनके कॉमन नेम्स अगर हम देखें तो वो ज़्यादा इजी होंगे याद करने के लिए भी। हेपेटिक ऑप्सिडा को हम कहते हैं लिवर वॉर्ट्स। ब्रायोप्सिडा को हम कहते हैं मॉसेस, और एंथोसिरोप्सिडा को हम हॉर्नवॉर्ट्स भी कहते हैं। तो ये हमने देख ली ब्रायोफाइट्स की के 3 मेजर ग्रुप्स। अभी आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जो जो हम आगे जाते जाएंगे, हम ब्रायोफाइट्स के को डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम इन 3 टाइप्स को, इन 3 सब डिविजन्स को वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इनको याद भी रखना और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से हमने ब्रायोफाइट्स की 3 कैटेगरीज को देख लिया, 3 सब डिविजन्स को देख लिया, जिनके अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जब ट्रैकियोफाइटा आ जाता है, ट्रैकियोफाइटा को भी हम मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनकी हम 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 मेजर कैटेगरीज बनाते हैं। और वो कैटेगरीज क्या हैं? फर्स्ट हमारे पास है सिलोप्सिडा। सेकंड है हमारे पास लाइकोप्सिडा। थर्ड है स्फेनोप्सिडा। और फोर्थ है हमारे पास टेरोप्सिडा। ठीक है, इनके अगर हम कॉमन नेम देख लें, इसके लिए भी वो भी हमारे लिए याद करना इजी हो जाएगा। सिलोप्सिडा को हम कहते हैं विस्क फर्न्स, और लाइकोप्सिडा को हम कहते हैं क्लब मोसेस। इसी तरह स्फेनोप्सिडा को हम हॉर्स टेल्स भी कहते हैं, हॉर्स टेल्स। और टेरोप्सिडा को हम कहते हैं फर्न या सीडेड प्लांट्स। ठीक है, अब ये हमने इसकी क्लासिफिकेशन एक दफ़ा थोड़े से रिवाइज कर लें। हमने क्या कहा? प्लांटी था हमारे पास किंगडम, उसके हमने दो डिवीजन्स में डिवाइड किया। वो कौन कौन सी डिवीजन थी? ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा को मज़ीद 3 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया, वो क्या थे? हेपेटिक ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। उसके बाद हमारे पास ट्रैकियोफाइटा था, ट्रैकियोफाइटा को हमने 4 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया। वो कौन कौन से सब डिवीजन्स हैं? उन सब डिवीजन्स को हम कहते हैं सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, अभी जो टेरोप्सिडा है, इसको भी मज़ीद फिर हम आगे से 3 मज़ीद डिवीजन्स, या आप उसको कह ले 3 क्लासेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। और वो 3 क्लासेस क्या हैं? वो 3 क्लासेस हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं फिलेसिने, दूसरे को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्मी, और थर्ड जो है उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इनको याद करने का या इनकी मेजर निशानी क्या है? इनके लिए फर्स्ट तो ये जो फिलिसिना है, ये हमारे पास होते हैं फर्न्स। ठीक है, फर्न्स बेसिकली आपने देखे भी होंगे। और जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स हैं? ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीड को हम खुद देख सकते हैं, यानी नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, नेकेड सीडेड प्लांट्स। और एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, या फिर
वो प्लांट्स जिनके सीड को हम देख नहीं सकते, ठीक है, इनके सीड कवर्ड होते हैं किसी ना किसी चीज़ के अंदर। तो ये हमने देख ली इसकी क्लासिफिकेशन। एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा। सबसे पहले हमने किंगडम प्लांटी को देखा, हमने देखा हम किस बेसिस पे किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे प्लांट्स की, और हमने देखा हम किन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्लांट है या कौन सा ऑर्गेनिज्म प्लांट नहीं है। और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, हमने कहा उस ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक होना चाहिए, ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए, मल्टीसेलुलर होना चाहिए, नॉन मोटाइल होना चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियो से डेवलप होना चाहिए, और उस ऑर्गेनिज्म के बाहर एक सेल वॉल होनी चाहिए। अभी तक जो हमारे पास नॉन स्पीशीज हैं वो 360,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स की, जो कि नॉन हैं हमारे पास, हम जिनको जानते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स की, तो हम प्लांट्स को दो मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है उसको हम मजीद तीन सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, पेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। ट्रैकियोफाइटा को मजीद हम चार सब डिविजन में डिवाइड करते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा की फिर मजीद हमारे पास तीन और क्लासेस हैं जिनको हम कहते हैं फिलिसनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। ठीक है, तो ये हमारे आज का टॉपिक है। अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम वन बाय वन इन तमाम ऑर्गेनिज्म को, ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है, इनको देखते जाएंगे। अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम ब्रायोफाइट्स को देखेंगे, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके बाद ये जो इसकी मजीद सब डिविजन्स है ना, इनको एक वन बाय वन करके स्टडी करते जाएंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है।